आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही इस एक्ट्रेस को तो आप जानते ही होंगे। इनका नाम है रतन राजपूत। रतन राजपूत ने टीवी की दुनिया से भले ही दूरियां बनाई हुई हैं, लेकिन वो अपने YouTube ब्लॉग्स के जरिए अपने फैन से हमेशा कनेक्टेड रहती हैं। आज क्राइम तक पर हम आपको रतन के बारे में कुछ ऐसा बताएंगे, उनसे जुड़ी एक ऐसी कहानी जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दरअसल रतन राजपूत ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में दिल्ली में उनके साथ हुए एक हादसे के बारे में बताया है। ब्लॉग में रतन ये बता रही हैं कि उन्होंने अपने लिए एक नया फोन लिया और फोन खरीदते समय उन्हें अपने पहले फोन की स्टोरी याद आ गई। रतन ने अपने ब्लॉग में कहा कि जब मैं पटना से दिल्ली गई थी तो उस टाइम फैमिली में सबसे पहला फोन मैंने ही लिया था। उस समय मैं ड्रामा प्रैक्टिस करने के लिए मंडी हाउस जाती थी। एक दिन मैं अपने नए फोन के साथ लौट रही थी। ब्लॉग में आगे रतन ने कहा कि मैं माँ से फोन पर बात कर रही थी, अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कान के पास खींचातानी कर रहा है। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, बस एक लड़का मेरे हाथ से मेरा फोन खींच रहा था। लोग देख रहे थे। मैं चीख रही थी कि मेरा फोन छोड़ो। मैं लोगों से बोल भी रही थी कि मेरी मदद करो, मेरा फोन लेकर भाग रहा है ये शख्स, लेकिन सब ये नजारा देखे जा रहे थे। रतन ने आगे बताया कि शाम के 8:30 बजे थे। मैं उस शख्स के पीछे बहुत दूर तक चली, तभी अचानक एक लड़का आया। मैंने उससे कहा कि मेरी मदद कर दो प्लीज। उस लड़के ने मेरा जोर से हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए कहने लगा, चल तुझे तेरा फोन दिलाता हूँ। वो मुझे जंगल की ओर खींच रहा था। उस समय मुझे लगा अब तो मैं गई, मुझे लगा कि मैं अब बचूंगी नहीं। मैं चिल्ला रही थी और लोग सिर्फ देखे जा रहे थे। जी हाँ, ऐसा इस एक्ट्रेस के साथ दिल्ली में लोगों के सामने हो रहा था। रतन ने आगे कहा, मुझे लगा अब मैं और ताकत नहीं लगा सकती। मैं चिल्ला रही थी कोई मुझे बचाओ, तभी दो लड़के स्कूटर पर जा रहे थे। उनमें से एक मेरी मदद के लिए आया और लड़के ने उस शख्स से कहा, छोड़ इसका हाथ। तो वो शख्स कहने लगा, नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी है। रतन ने बताया कि जिन लड़कों ने उनकी मदद की थी वो दिल्ली निफ्ट के स्टूडेंट्स थे। उन्होंने रतन को घर तक सेफली पहुंचाया। रतन ने कहा कि अब वो समझ सकती हैं कि जिनके साथ ऐसा कुछ होता है वो कैसे फेस से गुजरते होंगे। रतन ने कहा, मेरे दिमाग में सिर्फ यही सब चल रहा था कि आज मैं न्यूज बन सकती थी, मेरे साथ वही हो सकता था जो मैं न्यूज में देखती हूँ। मैं किसी गटर में फेंक दी गई होती या अब तक मुझे मार दिया गया होता। रतन ने कहा कि तब से उनके मन में डर बैठ गया है। उन्हें लगा कि मैं लड़की हूँ, मुझे संभल कर रहना होगा। आपको बता दें, कोविड के दौरान जब लॉकडाउन लगा था तब रतन राजपूत टीवी इंडस्ट्री छोड़कर अपने गांव चली गई थी। टीवी इंडस्ट्री से एकदम दूर अपने फैंस के साथ सिर्फ एक ब्लॉग के जरिए कनेक्टेड थी रतन राजपूत। अपने ब्लॉग के द्वारा रतन ने अपने साथ हुई इस घटना के बारे में अपने फैंस के साथ शेयर किया है। रतन का ये ब्लॉग सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।